खुदा के 10 अहकामात के दूसरे हुक्म पर और गौर करें कि खुदावंद का नाम बेफायदा ना लेना। खुदावंद का नाम बेफायदा ना लेने से क्या मुराद है? तो इसका मतलब है कि खुदा का नाम बेफायदा ना लेना। तो आइए ये दरियाफ्त करें कि ये दरहकीकत क्या है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे होंठों पर तो खुदा का नाम हो लेकिन हमारे दिल खुदा से दूर हो। हम अपने होंठों से हर वक्त खुदा का नाम लें लेकिन खुदा की राह पर चलने से दूर हो। हम अपने होंठों से तो खुदा की प्रशंसा करें लेकिन हमारे दिल, रूह और दिमाग खुदा से दूर हो। हम अपने होंठों से खुदा की प्रशंसा करते हैं लेकिन हम इंसानों के और खुदा की बनाई हुई मखलूक के दुश्मन होते हैं। इसे कहते हैं खुदा का नाम बेफायदा ना लेना। जब आप खुदा का नाम बेफायदा लेते हैं तो आपको खुदा बरकत नहीं देता, लेकिन जब आप खुदा का नाम सोच समझ कर लेते हैं तो उस वक्त खुदा हमारे काम में बरकत डालता है और हमें समझ अदा करता है और अपने उस नाम की बरकत की वजह से हमें इस दुनिया में इस्तेमाल करता है। गॉड ब्लेस यू।